करते हैं नमामि नर्मदा के कुर्सी टोटके की। कल पीएम मोदी ने अमरकंटक में नमामि नर्मदा सेवा यात्रा का समापन किया, लेकिन अमरकंटक के बारे में कहा जाता है कि यहां पर आने वाला नेता अपना पद गंवा देता है। नर्मदा में छिपी सियासत की संकट कथा। कोई भी राजा हवाई वाहन से यदि जाता है या वहां उतरता है तो उसके लिए हानिकारक योग बनता है। पीएम सीएम की राह में अमरकंटक का कांटा। अमरकंटक के बारे में मिथक है कि नर्मदा के उद्गम स्थल के 8 किलोमीटर के दायरे में जो भी हेलीकॉप्टर से आया उसकी सत्ता चली गई। नर्मदा को नाराज किया तो कुर्सी गई। एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री और 3 मुख्यमंत्रियों पर यह मिथक सच साबित हुआ कि हेलीकॉप्टर से नर्मदा पार तो मुश्किल है हजार। नमामि नर्मदा का कुर्सी टोटका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नर्मदा यात्रा के समापन के मौके पर अमरकंटक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, लेकिन पीएम के हेलीकॉप्टर को 8 किलोमीटर पहले ही उतार दिया गया। आगे का रास्ता पीएम ने सड़क के रास्ते तय किया। आखिर क्यों पीएम का हेलीकॉप्टर 8 किलोमीटर पहले ही लैंड करा दिया गया? क्या इसके पीछे मान्यता है या फिर किसी तरह का टोटका? ऐसा टोटका जिसमें यह कहा जाता है कि जो भी नेता हेलीकॉप्टर से अमरकंटक में नर्मदा नदी को पार कर लेगा उसकी कुर्सी चली जाएगी। माँ नर्मदा एक एक पौधे के प्रसाद से प्रकट होती है और जो हम लोगों को जी हमारे जीवन को पुलकित करती है। माँ नर्मदा ने हमें जीवन दिया है, लेकिन जिस अमरकंटक से नर्मदा नदी का प्रवाह शुरू होता है वो अमरकंटक कई बार सियासत की राह में जीवन नहीं मुश्किल बनकर आया है। कहा जाता है कि जिस राजनेता ने भी नर्मदा नदी को लांघा है उसे अपनी सत्ता गंवानी पड़ी है। हवाई वाहन से यदि वहां पहुंचेंगे उसका जो है पद जाने के प्रबल योग बनते हैं। तो क्या इसी मान्यता का मान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा? कहा जाता है कि नर्मदा के उद्गम के 8 किलोमीटर के दायरे में जो भी हेलीकॉप्टर से आया उसने सत्ता गंवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज नर्मदा पूजा के लिए हेलीकॉप्टर से अमरकंटक नहीं गए। चर्चा है कि इस मिथक के चलते ही पीएम मोदी के लिए डिंडोरी जिले में अमरकंटक से 8 किलोमीटर की दूरी पर हेलीपैड बनाया गया, जबकि मंदिर से महज 300 मीटर की दूरी पर ही एक हेलीपैड है। अब सवाल है कि आखिर यहाँ ऐसा है क्या जो नेताओं की कुर्सी के लिए खतरा बन जाता है? भाई वो साक्षात नर्मदा माई प्रगट ही यहाँ आता है, वो कर लेते बड़े बन के ऊपर उतरा थे, वो नीचे में बहा थे, वो कर कारण से नहीं उतरे। नर्मदा नदी को हेलीकॉप्टर से पार किया तो सत्ता गई। आखिर ये मिथक शुरू कहाँ से हुआ? इसकी पड़ताल करने निकलिए तो एक पूर्व राष्ट्रपति, एक पूर्व प्रधानमंत्री और 3 पूर्व मुख्यमंत्री इस भंवर में फंसते दिखाई देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1982 में हेलीकॉप्टर से अमरकंटक आई थी, उसके बाद उनकी 1984 में हत्या हो गई। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमरकंटक हेलीकॉप्टर से आए और 2007 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा 1992 में हेलीकॉप्टर से यहां आए और उन्हें भी सत्ता गंवानी पड़ी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए हेलीकॉप्टर से अमरकंटक आए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनानी पड़ी। मध्य प्रदेश की ही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सीएम रहते हुए 2004 में हेलीकॉप्टर से अमरकंटक गई, उसके बाद इन्हें भी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। क्षेत्र में कोई भी अन्य कोई राजा जो है अपने स्ववाहन से जो है सवार होके या हवाई वाहन से जो है प्रवेश करेगा उस क्षेत्र में तो उसके लिए हानिकारक रहेगा।
अमरकंटक में नर्मदा मंदिर के पास ही हेलीपैड है। सर्किट हाउस के पास पहले 3 हेलीपैड बने थे। आखिरी बार 2004 में यहाँ उमा भारती का हेलीकॉप्टर उतरा था। उसके बाद उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तब से तीनों हेलीपैड्स का इस्तेमाल बंद हो गया। क्या इसीलिए पीएम मोदी अमरकंटक तक हेलीकॉप्टर से नहीं 8 किलोमीटर की सड़क यात्रा से नर्मदा मंदिर तक पहुंचे? कहा जाता है कि यह मां नर्मदा की ताकत है कि जिसने भी इनके ऊपर से उड़ना चाहा है वो उसे धरातल पर ला देती है, फिर चाहे वो नेता हो या जनता। हालांकि ये सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन जब ऐसे वाक्य सामने आते हैं तो लगता है कि फसाना हकीकत में बदल रहा है। संदीप भामरकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, अमरकंटक।